हेलो डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चे को अगस्त और सितंबर के महीने में कौन कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में मतलब इस मंथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल फंगल होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं हर एक खाने में। तो आप लोग अगर अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो ये वीडियो विशेषकर आप लोगों के लिए। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो में बताना आप लोग कि आप लोग अपने बच्चे को इस सीज़न में, विशेषकर जो सितंबर और अक्टूबर, अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इस महीने में आप लोग अपने बच्चे को क्या बॉयल करके पानी पिलाते हैं। अगस्त और सितंबर का महीना ऐसा होता है कि इसमें जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो खाने की चीज़ों पे बहुत जल्दी, जो बैक्टीरिया जो होती है वो बहुत जल्दी पनपने लगते हैं कि इम्यूनिटी पावर इस समय अभी बहुत कम होती है और एज के साथ वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप इस मौसम में बच्चे को क्या खिलाएं अथवा क्या नहीं खिलाएं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को क्या खिलाएं, कौन सा फ्रूट खिलाएं, कौन सा खाना खिलाएं, विशेषकर इस अगस्त और सितंबर के महीने में कैसा खाना खिलाना चाहिए, बहुत से पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस सीज़न में मिलने वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसको, कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम लोगों को, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नंबर वन, आप लोगों को इस मौसम में तरबूज और खरबूज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को सर्दी जैसे, जो सर्दी ज़ुकाम जैसी परेशानी आ सकती है। तो तरबूज और खरबूज इस मौसम में बिल्कुल ना खिलाएं। पॉइंट नंबर टू में दोस्तों, जो आम होते हैं, क्योंकि अभी सीज़न आम का चला गया और जितने भी अभी मार्केट में आम हैं वो सारे अभी सीजनल नहीं हैं, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पिलपिले पके से हो जाते हैं। तो आप इस सीज़न में बच्चों को आम भी ना दें। जो केला होता है ना दोस्तों, वो भी हम लोगों को, बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। विशेषकर जो अच्छे केले होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, वो आप लोग दे सकते हैं। और बहुत से केले जो होते हैं पक के बहुत ज़्यादा पिलपिले से हो जाते हैं, समय से ज़्यादा हो जाता है, उस टाइप के केले भी आप लोगों को नहीं देने चाहिए। बिल्कुल ही फ्रेश केले आप लोग दे सकते हैं। आपको हर सीजनल फ्रूट देना चाहिए बच्चे को, चाहे वो बरसात के हो, गर्मी को हो या जाड़े को, हर सीजनल फ्रूट आप लोगों को बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। और हाँ पेरेंट्स, जब भी आप जब बाज़ार से जाके फल लाते हैं बच्चों के लिए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फल जो है वो हमेशा ताज़े हों। आप लोग देख के फल लें और हमेशा ताज़े फल ही लें, और जब भी आप बच्चे को दें उसको अच्छी तरह से धो के और तब आप बच्चे को दें। पेरेंट्स, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा आप लोग बच्चे को फ्रेश और ताज़ा घर का बना हुआ खाना ही देना चाहिए। बाहर की जितनी भी जो चाट पापड़ी टाइप के जो होते हैं ना, बाहर के जितने भी खाने होते हैं, विशेषकर इस सीज़न में अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके अपने बच्चे को आप लोग और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न में जो है बाहर के खाने से भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया फैलता है। और सीज़न में बच्चे को आप लोग हमेशा उबला हुआ गर्म पानी ही दें। और अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।